बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्त, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं महमूदिया ट्रैवल एंड टूर के यूट्यूब चैनल में आपका मेज़बान मोहम्मद शाहिद इकबाल अपने चैनल में वेलकम और शामदीद कहता हूँ। इंग्लैंड से एक और बड़ी न्यूज़ आप साथ शेयर करें कि एक और काफ़िला समुंदर में डूब रहा है इंग्लैंड आते हुए। ये काफ़िला कौन है, ये कौन से लोग हैं, इस न्यूज़ की तमाम तफ़सीलात आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो तमाम दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। दोस्तों न्यूज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, अगर आप चाहें तो न्यूज़ को रीड भी कर सकते हैं। दोस्तों आपको पता है कि इनलीगल वे जो है लोग इस्तेमाल करते हैं और इंग्लैंड की तरफ मूव होते हैं। एक रिपोर्ट आ रही है कि बैर रूम में एक और सानिया मजीद 90 गैर कानून तारकीन वतन डूब कर हलाक हो गए हैं। बैर रूम में पेश आने वाला एक और अलमनाक वाकया, 90 से ज़्यादा गैर कानूनी तारकीन वतन अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। अक्वामे मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए माजरीन फेलियो ग्रांडी ने अपने पैगाम में बैर रूम में पेश आने वाले समुद्री हादसे के हवाले से ट्विटर पर मेंढक साइंस फ्रंटियर्स MSF की पोस्ट का हवाला देते हुए लिखा है कि बैर रूम में एक और साने में 90 से ज़्यादा अफराद हलाक हो गए हैं। ग्रांडी ने तारकीन वतन के हवाले से यूरोपी मालिक के दौरे में आत का जिक्र करते हुए कहा कि यूरोप ने यूक्रेन से नकल मकानी करने आने वाले 40 लाख पनाहगजीनों की फराखदली और मौसर तरीके से मेज़बानी करने की अपनी सलाहियत को साबित किया, और उनका कहना था कि ताहम आप यूरोपी मालिक को फौरी तौर पर इस बात पर गौर करना चाहिए कि इसका दरवाज़ा खटखटाने वाले दीगर तारकीन वतन पर मेज़बानी इसकी सलाहियत का इतराक कैसे किया जाए। MSF ने अपनी ट्वीट पैगाम में कहा था कि 90 से ज़्यादा गैर तारकीन वतनों ने कुछ दिन पहले ही लेबिया रुख सफ़र बांधा था। एक गंजाइश से ज़्यादा भरी कश्ती पर बैर रूम कबूल करने की कोशिश बैन अवी समुद्री हदूद में हलाक हो गए हैं। दोस्तों हम पहले भी बता चुके हैं कि इस तरह के गलत वे अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी जो है हाथ धो बैठेंगे, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो लिहाजा अपना अपने प्यारों का ख्याल रखें, अपने मुल्क में रहें, लीगल वे के लिए मेहनत करें, लीगल तरीका इस्तेमाल करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट में। अल्लाह हाफिज़।